Like. Expected percentile एज पर माइक एटकिंग डॉट इन वहां पर रेंज भी आ रही होगी तो क्या आ रही होगी बताइए मुझे फटाफट दोबारा से ओके 99 नाइन टू नाइन पॉइंट फोर नाइन नाइन एट पॉइंट फाइव नाइन एट पॉइंट फाइव नाइन 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 ओके नाइन 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 ओके नाइन एट पॉइंट अरे अनमोल क्या तेरा स्कोर क्या अनमोल 98.98.5 एट पॉइंट नाइन एट पॉइंट फाइव ओके या आशीष विल speak दट नाइन फोर नाइन नाइन पॉइंट सिक्स नाइन नाइन पॉइंट सेवन और गुड

विल मेक व्हाट्सएप ग्रुप फॉर यू और सारे के सारे आए अम अहमदाबाद कॉल गेटर्स को इकट्ठे कर दिया जाएगा ठीक है नो योर कॉम्पिटन और उनके साथ में बैठ के अपन पढ़ाई करेंगे इकट्ठे बैठ के जब तुम्हारी आई अहमदाबाद कॉल आएगी आई एम बैंगलोर कॉल आएगी ऐसे करके तुम लोगों को सेग्रेट करके यहाँ पे डाल दिया जाएगा सिमिलरली दिस गाइजर ऑल आई एम बैंगलुर कॉल गेटर्स ठीक है दिव्य आएम बैंगलरूर का बी ए का कॉल था बिजनेस एंडिक्स करके एक अच्छा कोर्स है आई एम सिमिलरली आएम कोदी गोड आएगा आएम लखनऊ आएगा आर बी सेग्रीगेटिंग यू एंड विल बी मेकिंग डिफरेंट डिफरेंट व्हाट्सएप ग्रुप द बेस्ट थिंग इज ई बिच बोल रहा है ऑल बिकॉज ऑफ यू एज वेल बट एनी वी चॉइस जो लोग कैटकिंग जनता हो नहीं हो दिस इज आर ऑपरचुनिटी टू हेल्प यू इज नीड आर हेल्प यू एफ कैन कम ऑन बोर्ड एंड यू हैव ऑल दोज पीपल टू कमिंग इन टीचिंग यू वील भी फ्रॉम मैकेन जी आई टी सीज ऑफ द वर्ल्ड तो वन फोर्टी थ्री आवर्स तक पढ़ाई करनी है मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा चैट के अंदर पहले तो प्लेज लिख दो कि भाई जो भी तुम्हारा बेस्ट कॉल होगा ना उसको कन्वर्ट करना है करोगे कि नहीं करोगे हाँ या ना यहाँ पे प्लेज लिखो चैट के अंदर जो तेरा बेस्ट कॉल आने वाला है कुछ ना कुछ तो अच्छा आने वाला प्लेज प्लस प्लस क्योंकि यार बड़ा दुख होगा कि तेरी अहमदाबाद कॉल थी और तू तो इंदौर जाके पढ़ रहा है हाँ हाँ अहमदाबाद कॉल थी और इंदौर जाके पढ़ रहा है कैल कॉल थी और लखनऊ जाके पढ़ रहा है दिल दुखेगा और जिंदगी भर दुखेगा जब भी तेरे को आयन क्याल का बंदा मिलेगा ना तो उसको रिस्पेक्ट करेगा अरे यार बोलेगा मेरी भी कॉल थी यार कन्वर्ट नहीं हो पाई वो हमें नहीं करना है सो विल स्पीक टुवर्ड्स द एंड अबाउट जी डी पी आई और आज रात को दस बजे के बाद हम लगना शुरू कर देंगे विल स्पीक अबाउट दैट इन डिटेल चलिए भाई पहले तो शुरू करते हैं लेट्स बिगे दीज आ द ओवरऑल कट ऑफ्स एंड पर्सनडाइल किन किन लोगों का क्लियर हो रहा है यहाँ पे जो प्लेज सर बहुत बढ़िया किन किन लोगों का क्लियर हो रहा है जिस टाइप इन सी 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 इज कॉन्ट भी रेली हेल्पफुल ओवरऑल नाइन जिसका नहीं वो क्लियर होगा एनसी टाइप कर देंगे ठीक है सत्तर पर्सेंटाइल है एम अहमदाबाद का और एल आर डी आई का भी सत्तर 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 है अगर पर्सनडाइल मतलब तुम्हें पता चल गया पच्चीस परसेंट के ऊपर नंबर ये पर्सनइल स्कोर नहीं है भाई हु? सब लोग सी सी हैं ओके ठीक है एम okay. बैंगलोर भी देख लीजिए सी 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 क्लियर 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 किसी को डाउट है तो यहाँ पर एन सी एन सी एन सी लिख देना या डाउट 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 डी लिख देना ठीक uh, है एफ एम एस का नाइनटी नाइन परसेंट एल ओवरऑल सेक्शन कट ऑफ अनसेड है वैसे पर वर्बल को थोड़ा ज़्यादा भाव देते हैं आपको पता होगा राइट वर्बल को एफ एम एस थोड़ा ज्यादा भाव देता है तो उसके लिए वेट एंड वॉच एफ एमएमएस में कोई भी टेंथ ट्वेल्थ के नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे इन द स्टार्टिंग ओके द फर्स्ट लेवल ऑफ कॉल में टेंथ ट्वेल्थ के नंबर नहीं काउंट किए जाएंगे सिर्फ प्रोफाइल सिर्फ कैट बेस स्कोर आती है ठीक है आगे देखते हैं वर्बल कट ऑफ फॉर एडी परसेंट यार एडी पर्सनल के लिए अप्रॉक्सिमेटली पच्चीस परसेंट नंबर लेके चले मांशु ट्वेंटी फाइव परसेंट मार्क्स लेकर थर्टी परसेंट मार्क्स तक की एवरेज बहुत बॉल रहा हूं मैं पर अगर पच्चीस परसेंट के ऊपर हो तो पिछले कुछ सालों में ऐसा ही हो रहा है थर्टी परसेंट अ स्मूथ केक वॉक आप कर लोगे ठीक है एटी फाइव यहाँ पे और एटी फाइव यहाँ पे कोड का नाइन्टी सेवन परसेंट प्लस पे कॉल आता है कोई कोड का कट ऑफ सबसे कम है सबसे ज़्यादा कॉल्स कोई कोड देगा आप लोगों को ठीक है सबसे ज़्यादा कॉल्स कोई कोड देगा और कन्वर्ट भी हो जाता है फॉर श्योर sure. जो दिक्कत करते हैं वो करते हैं अहमदाबाद बेंगलोर कलकत्ता क्योंकि ये आपकी ले लेंगे मतलब ऐसे लेवल ऑफ इंटरव्यू दूंगे यह मैं आज आपको थोड़ा सा ओवि दूंग, दूंगा दो ओवरी दूंगा एफ एक बार कॉल आ गई कन्वर्ट करना बहुत ईजी है पाँच से सात मिनट का इंटरव्यू होता है इंक्लूडिंग वन मिनट ऑफ एक्सटेम्परी वेल तो तेरा जो भी प्रिपरेशन करिए देखो पैसे बचाने आई एम अहमदाबाद छोड़ने को तैयार हूँ अगर तेरा एफ कॉल आता है तो मैं बता रहा हूँ पांच से सात मिनट का इंटरव्यू खत्म आई रिपीट अहमदाबाद वाले बैंगलोर वाले ले लेंगे तू पसंद आया तो भी ले लेंगे और ना पसंद आया तो भी ले लेंगे ये दो तरीके होते हैं इफ़ योर इंटरव्यू गो स्टिल वन आवर और शो वन आवर और शो देन दे इधर लव यू और इधर दे हेट यू तो उनको मजे दे रहे हो आई बीन ऑन द पैनल ऑफ अ टॉप बिजनेस स्कूल हुए नॉट नेम दैम बट या फॉर फाइव गुड ईयर्स राइट एवरी ईयर आई गो देर एंड चिल फॉर द स्टूडेंट्स हेज वेल ठीक है अगला कॉलेज हिंट आ गया है अगला कॉलेज एस पी जे आम नाइनटी सेवन परसेंट एल पे आपको आएगा प्रोफाइल बेस कॉल एटी पर्सन प्लस पे आप लोगों को आना शुरू हो जाएगा ठीक है एस पी जैन बहुत ही दिग्गज कर रहा है भी तुम लोगों को पता ही होगा आई एम ए बी के साथ ही खड़ा हुआ है ठीक है दिवान आना चाहिए आगे आई डी बॉम्बे नाइनटी नाइनटी एट लॉर्ड पीपल लीव आई एम कोई कोड फॉर आई डी बॉम्बे आई वुड आई वुड शे देट इज़ नॉट द बेस्ट बैड बिकॉज कोई बच्चे होते हैं सर तो आई टी ओ पढ़ना था आई आई टी था तो ये ब्रांड बहुत बढ़िया है एवरेज परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स एवरेज परसेंट ऑफ स्टूडेंट्स का अगर तुम कैलकुलेट करोगे आई डी बॉम्बे विल बी मोर देन आई वुड से एनी ऑफ द आएम्स हो एनी ऑफ द आएम्स मतलब ए बी सी छोड़ दो नीचे वाले जो है उनके ऊपर ही होगा कोई कोड लखनऊ और इंदौर इंदौर पर मिलाओगे तो इंदौर थोड़ा ज्यादा फोकस दे रहा है टेंथ ट्वेल्थ के नंबर पर वो आप लोगों को पता ही होगा कौन कौन टेंथ ट्वेल्थ यहाँ पे ट्रिपल एट के ऊपर हो जिस टाइप इन एट एट सेवन एट एट सिक्स नाइन 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 जो जो लोग हम आप फटाफट टाइप करिए एट एट सिक्स एट एट सेवन फटाफट टाइप करो ओके ग्रेट नाइन नाइन सेवन नाइन नाइन सेव टेन एट एट बहुत बढ़िया स्टड लोग आए हो तुम बहुत ही बढ़िया टेन नाइन सिक्स ओ चिरािरािरािरािराग बारह में क्या कर रहा था नायक ठीक है आई की प्रिपरेशन कर रहा था क्या ठीक है नहीं चिराग तो कुछ और तू तो नॉन इंजीनियर है ना अनम्यूट करके बोल दे हिमांशु टेन नाइन सेवन फाइव ओके एट 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 ठीक है ओके okay, सॉरी uh, थोड़ी तो दिक्कत होगी जिनका ये फाइव फाइव लगा हुआ है ठीक है मेरा सॉट टोटल है सेवनटीन का इंपॉर्टेंट लाइक फॉर या ओ बी सी एट वेब ऑफ कीप योर फिंगर्स क्रॉस ठीक है भाई चलिए आगे चल रहे भाई बाय uh, द वे जनरल बजाज दौर के थ्रू कैट लोगों को बात पता नहीं है जे बी एम एस बी आप कैट के थ्रू अप्लाई कर सकते हो अलग से अप्लाई करना होगा उसका मैं प्रोसेस बताऊंगा सीईटी भी कभी कभी देना पड़ता है विल स्पीक इन डिटेल अबाउट दैट ठीक है आगे चलते हैं भाई ये तुम्हारे आई एम ए बी सी नाव ऑल द नॉन इंजीनियर्स एक बार और टाइप करो इंजीनियर नॉन इंजीनियर या बी एड कैटेगी तो अपना इंजीनियर है तो इंजीनियर लिखो जिस टाइप इन बी एड कोई कैटेगरी है डॉक्टर सी जोलॉजी हिस्ट्री विस्ट्री कोई है नॉन इंजीनियर मत लिखो लिखो थोड़ा बी एड कटेगरी कोई है कोई भी नहीं है बी एड कैटेगरी ठीक है इंग्लिश ऑनर्स बिल्कुल चिराग बहुत बढ़िया बहुत ही बढ़िया ठीक है बारहवीं में क्या कर रहा था चिराग तू ना तो तूने आई की तैयारी करी इंग्लिश ऑनर्स लेके बैठा है बारहवीं में क्या कर रहा तो है हाँ.

कॉल द सी ओ फैक्ट्री ऑफ द कंट्री ये आपको कोई भी कॉल कहीं पर भी आ सकता है एक समरी बता रहा हूँ ओवरऑल अहमदाबाद नॉन इंजीनियर्स फेवरेट बैंगलोर कलकत्ता इंजीनियर्स फेवरेट बाई गॉड्स ग्रेस लास्ट दो साल में अस्सी परसेंट एल सेवेंटी फाइव परसेंट एल प्लस यहाँ पर लोग इंजीनियर बैठे हुए हैं इनफैक्ट बैंगलोर में तो ज़्यादा है बैंगलोर वर्क एक्सपीरियंस जनता का फेवरेट है याद रखिएगा ठीक है एफ एम एस सबका फेवरेट है जितना अहमदाबाद फेवरेट है नॉन इंजीनियर्स का उतना ही एफ एम एस है बिकॉज वही रेशियो सेवेंटी थर्टी सेवेंटी थर्टी रहने वाला है लखनऊ लखनऊ के थोड़े भाव बढ़ गए बिकॉज सेक्शन कट ऑफ देखोगे तो यहाँ पे ज़्यादा है तो ऐसा हो हो सकता है कि सेक्शन कट ऑफ सब ने क्लियर किए हर एक के अंदर पर ओवरऑल पर्सनल्स पे आप लोगों को लखनऊ का कॉल आ जाता है ऐसा होता है कि ए बी लखनऊ आ गया और इंदौर ठुक गया इंदौर क्यों ठुक गया बिकॉज इंदौर टेंथ ट्वेल्थ को ज़्यादा भाव देता है सबको पता ही होगा कोई कोड कॉल पक्का आपको आना ही आना नाइन्टी टच करोगे बिकॉज वर्बल का बहुत कम है अगर तुम्हारा सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा फ्रॉम द एलीट लिस्ट कौन से कौन से कॉलेजेस बचेंगे मतलब अस्सी नहीं क्लियर हो रहा है सेवेंटी फाइव पर रह गए कोजिकोड और आईआईटी बॉम्बे तो आना चाहिए फॉर श्योर sure. नहीं हो रहा तो IIT, IIT Delhi, sorry, जादा, जादा है तो आईआईटी आईआईटी बॉम्बे और आई दिल्ली सॉरी आई दिल्ली ज़्यादा ज़्यादा चांसेज हैं इन लोगों का आई बॉम्बे का ओवरऑल सेक्शन कट ऑफ बताते नहीं है ये लोग पर अनसेड होता है आई दिल्ली तो ओवरऑल नो सेक्शन कट ऑफ ही है फॉर श्योर sure. ठीक है भाई इतना समझ आ गए टॉप दिग्गज कॉलेज का समरी है अहमदाबाद वियर्ड कैटेगरी हो तो एट्टी परसेंट डायल भी आप लोगों को आ सकता है एस सी एस टी ओ बी सी को यहाँ पे टाइप करो ओ बी सी एस सी एस सी एस टी ओ बी सी इफ़ यू आर अबव नाइनटी फाइव पर्सन इन कैट ई डब्ल्यू एस बहुत बढ़िया एस सी एस टी को नहीं है बहुत कम है ठीक है ओ बी सी एक सौ पाँच अरे मेरी जान ये हुई ना बात होशियार ओ बी सीधा है बहुत बढ़िया एस सी एस टी ओ बी सी सीधा ए बी सी का कॉल आना ही आना है बस मेहनत कर लेना ठीक है चलिए आगे चल रहे हैं आ, थोड़ा सा और देखेंगे नीचे वाले कॉलेज ये कॉलेज भी आपको आएंगी यहाँ पर आपको एक आधा कॉलेज भरना पड़ेगा एम डी गुड़गांव एनी बड़ी फिल्ड अप द फॉर्म फॉर एम डी गुड़गांव जस्ट टाइप इन येस और नो य जैम कातुल बहुत बढ़िया भर दिया एम डी गुड़गांव इज डूइंग एवरीथिंग राइट मैं आज ही मिल um, के आया हूँ एम डी ए के डीन साहब को बहुत ही uh, प्यारे इंसान है वो आई वॉज देयर द एम डी ए कैंपस टुडे। ये मैं हूँ लेफ्ट में और ये राइट right है आज का ही है एंड टुडे थ्री थर्टी पी एम बहुत बहुत स्टड इंसान है ये एंड uh, जिन लोगों ने नहीं भरा भर देना चाहिए था एम डी ए गुड़गांव के um, एक और कोर्स है आई कोर्स वो भी देख लीजिएगा वन ईयर इंडिया वन ईयर अब्रॉड वो भी चेक करेगा अगर जाना है तो एज एन ऑप्शन रख सकते हो वो भी अच्छा है और एम का एच कोर्स भी है एच कोर्स थोड़ा तो लेफ्ट ओवर ऑप्शन रह जाता है बाद में आता है बट दे आर डूइंग एवरीथिंग राइट द न्यू डीन इज आई आई एम सर ने मेरे को बुक दी आज uh, मेरे बैग में होगी कहीं तो सो सर गेविंग बुक इज एन ऑथर ऑफ अ बुक वेर इज रिटन बुक अबाउट द बिहार नीतीश कुमार ने कैसे यू नो पूरा स्टेबलाइज किया आज ही मुझे बट अमेजिंग इंसान है इसके बारे में चेक करेगा ठीक है जैम जैम का कट ऑफ है ओके okay. उदयपुर रांची और बाय द वे सबको कैप्रॉन प्रोसेस पता है मैंने समझा दी राइट कैप्रॉन प्रोसेस मैंने समझा दी है ना हाँ अनम्यूट करके बोल दो सबको पता है सबको पता है हाँ या ना? कुछ तो बोलो यार अच्छा पता है कि नहीं अनम्यूट कर लो नहीं पता है चलो ठीक है शॉर्ट में बताता हूं तीन तरह से आपको आई की कॉल आनी है एक तो आपको कॉल जानी ब्लैकी की वो इंडिविजुअल कॉल आएंगी कब आएंगी बैंगलोर अहमदाबाद कोई कोईकोड लखनऊ मुझे अपने यूट्यूब वीडियोज़ देखने पड़ेंगे एक बार पुराने वाले अहमदाबाद <coughs> बंगलोर की सबसे पहले आ जाएंगी फिर आएगी कलकत्ता की आई थिंक लखनऊ की सबसे पहले आई थी लास्ट ईयर चेक करना पड़ेगा एक बार लखनऊ की सबसे पहले आई थी फिर आया था अहमदाबाद फिर आया था बैंगलोर और फिर एक हफ्ते के अंदर सारी कॉल आ जाएंगी आपकी जैन के अंदर या फेब फर्स्ट वीक के अंदर तक कॉल आ जाएगी जैन या फर्स्ट फेब फर्स्ट वीक के अंदर कॉल आए इस बार सब कुछ जल्दी जल्दी होने वाला है मुझे फीलिंग आ रही है तो ये जल्दी जल्दी करके निपटाएंगे नंबर वन नंबर टू एफएमएस ने भी पिछली बार दस दिन के अंदर सब कुछ निपटा दिया था और एज आई साइड एफ एम एस का इंटरव्यू सिर्फ पाँच या सात मिनट कौन है ठीक है वा, आ, और अरे वाह सर लखनऊ बारह जनवरी और अहमदाबाद तेरह अरे थैंक यू सो मच सही ठीक है ग्रेट तो भाई जब जल्दी जल्दी आ जाएगी तो जैन में आपकी आनी शुरू हो जाएगी कुछ फेब तक जाएंगे आगे देखते हैं य विल टॉक अबाउट दैट आगे दूसरी कॉल आती है आपकी कैपराउंड कैपराउंड की कॉल नहीं आती कैपराउंड का आपका इंटरव्यू कॉल आएगी एक कॉल मतलब यू बिन सिलेक्टेड फॉर अ कैपराउंड प्रोसेस जहाँ पे आपके नौ आई एम्स कौन से कौन से आएम्स उदयपुर रांची रायपुर त्रिची काशीपुर और जो और बच्चे आई हैं नॉट अमृतसर नॉट रोहतक और आई थिंक जम्मू एंड नागपुर आई थिंक जम्मू एंड नागपुर ओके नागपुर पक्का जम्मू आई एम नॉट श्योर ये सब कैपराउंड प्रोसेस से बाहर हो चुके हैं इनका फॉर्म अलग से भरना पड़ेगा आई वुड रिकमेंड अगर इनका फॉर्म जल्दी आ रहा है तो हज़ार दो हज़ार रुपये देखिए तुम्हारा जितना भी पर्सनल है प्लीज़ भर लेना बिकॉज यू विल गेट वन डेमो राउंड ऑफ़ इंटरव्यू विद इन आई एम फैकल्टीज़ एंड मोस्ट ऑफ़ द आई एम फैकल्टीज़ दे रिप्लेस कोई अमृतसर वाला जम्मू चला गया जम्मू वाला फैमिली लेके नागपुर चला गया बिकॉज देर सो मनी आई राइट नाउ तो अ फ्लेयर ऑफ वाट इज वट कैन ऑफ थिंकिंग दर डूइंग सबसे वियर्ड और जिसमें कुछ भी तैयारी की जरूरत बहुत ज़्यादा तैयारी की जरूरत है और कुछ भी तैयारी की जरूरत नहीं है वो है कैप रॉन प्रोसेस लास्ट टाइम मैं आपको मिलाऊंगा um, शो मजीत करके लड़का था कैप में ले ली उसकी मतलब डिप्रेशन बड़ी कन्वर्टेड अहमदाबाद एंड कोलकाता बहुत इसकी उसके पहले हो गए थे ठीक है एक और बात कई लोगों का इनका पूरा स्प्लिट रहेगा हाँ बैगलोर की कॉल्स आपको एक डेढ़ महीना चलेगा कलकत्ता का कई बार ऐसा हो सकता है आपकी जल्दी इंटरव्यू दोगे ही या फेबरी फर्स्ट वीक में और एंड में तक मार्च तक चलता गया तो मिनिमम वन मंथ प्रोसेस चलता जाएगा तो जल्दी जाने का फ़ायदा यह है कि वो सिलेक्शन जल्दी में फटाफट फटाफट अपने लोग सिलेक्ट करते जाएंगे ऐसा हो सकता है कि सपोज़ करो जब मैं पैनल पर था तो दस लोग आए सपोज करो जैन फर्स्ट वीक में मैंने दस में से आठ सिलेक्ट कर लिए तो अगली बार दस आ रहे हैं मैंने दस में से यार देखना है कि यार आठ तो सिलेक्ट हो चुके हैं सात सिलेक्ट करने हैं फिर अगली बार अरे पंद्रह ऑलरेडी हो चुके हैं यार फिर मैं पांच सिलेक्ट करूंगा और लास्ट लेवल में थोड़ा सिलेक्शन कम हो जाता है यू यूड बी यू वूड भी स्टूपेंडसली ऑसम एंड मोरलेस क्वेश्चन थोड़े से बाहर आ जाते हैं राइट पता लग जाता है कि माइंड सेटअप क्या वो मैं आपको बताता दूंगा अहमदाबाद में क्या चल रहा है बैंगलुर में क्या चल रहा है कैलकड़ा में क्या चल रहा है एल बी विद यू थ्रू आउट द जर्नी ठीक है तो इसलिए जल्दी इंटरव्यू होगा तो अच्छे से प्रिपेयर करके जाना डिस्क्लेमर ब्लैक ही अलग कैप अलग और ये सब चार आयम्स अलग अप्लाई करना तो अप्लाई करिए नहीं करना तो नहीं करिए आई रिपीट ये सब करके आना ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा बढ़िया कॉल था और कॉल जल्दी जल्दी आ गया एंड यू आर नॉट प्रिपेयर्ड क्योंकि आई विल बी टीचिंग ऑल माई स्टूडेंट्स हंड्रेड एंड फोटी थ्री आवर्स उसका एक्सेस मिल जाएगा दिन का एक एक घंटा आप पढ़ लेना ज़्यादा नहीं दिन का एक ही घंटा नेटफ्लिक्स से मूवी देखने से अच्छा मैं आपको एक डैशबोर्ड दे दूंगा उसके ऊपर बैठ के पढ़ना शुरू करना किस किस के पास डैशबोर्ड का ऑलरेडी एक्सेस है यहाँ पे जस्ट टाइप इन यस नो यस नो यस नो किसके पास डैशबोर्ड का एक्सेस है ये ये येस येस ये सबके पास है ठीक है अमन के पास नहीं है चिराग के पास है ठीक है ठीक है यस येस यस नो जिनके पास नहीं है ओके ऑनली मॉक्स का मैं दे दूंगा एक्सेस आज मिल जाएगा तुम्हें ठीक है वो डैशबोर्ड क्या है उसको ओवरू लेते हैं ठीक है ये हो गया तुम्हारा अहमदाबाद और इंदौर और लखनऊ आयु क्या शुद्ध नहीं कोई फाइव सेकंड चेक यस सोनो यस नो 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 क्ई फाइव सेकेंड चेक आयु क्या शुद्ध नहीं यस नो यस 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 ठीक है अब करते हैं क्विक ओवर यू लेते हैं आई गोडा हार्ड स्टॉप एट एट ओ क्लॉक ध्यान से मेरी बात सुनो सैटरडे संडे को मैं दोबारा पूछ रहा हूँ एक एक घंटा दे सकते हो मुझे सिर्फ सैटरडे संडे को दिन का एक ही घंटा दे सकते हो हाँ या ना बहुत ही बढ़िया ठीक है अगर सैटरडे संडे को दिन का एक ही घंटा दे सकते हो टुडे टुडे स्टार्टिंग टुडेट टेन ओ क्लॉक आई एम मीटिंग ऑल ऑफ यू गाइस यू विल बी स्टडिंग अलोंग विद अ गुड ग्रुप आपको धीरे धीरे व्हाट्सएप ग्रुप में सेग्रीगेट कर देंगे पहला सेग्रीगेशन रहेगा स्कोर बेड दूसरा सेग्रीगेशन रहेगा कॉल बेस्ड ठीक है ऐसा भी होगा तुम एक ग्रुप के हो तो अलग अलग कॉल्स के अंदर जाओगे मैं आज रात को एक आई का वॉट पे एक स्टार्टर बूट कैम्प करने वाला हूँ उसके बाद पर्सनल इंटरव्यू पढ़ाएंगे कल कल रात को एवरी सैटरडे संडे रात को दस से ग्यारह किसी का नारसी मोन्झी कॉल है यहाँ पे कोई एनएम वाला है टू ट्वेंटी टू थर्टी टू फोर्टी वाला टू फोर्टी टू थर्टी वाला है कोई है यहाँ पे स्को टाइप करो अपना जिसका भी जिसका नारसी मोन्जी है अनिशा मैम तुम्हें मिलेंगे दैट लेडी विल टेक यू टू एन एम एम एज़ फॉर श्योर बिकॉज उसके दो सौ बच्चे पढ़ाई पढ़ रहे हैं नारसी मोंजी बॉम्बे टू फिफ्टी सेवन वेरी गुड चिराग नाउ इसके अंदर करना क्या है यूल मीट पीपल फ्रॉम मकैजी आई अहमदाबाद बैंगलोर कैलकड़ा योर सीनियर्स फ्रॉम कैटकिंग फैमिली देर बी कमिंग एंड ट्रेनिंग यू एज वेल अभी सिर्फ इतना पढ़ना है बिकॉज दैट आ रहा है बट इंटरव्यू इज मोर ऑफ़ एन एटीट्यूड लेस ऑफ़ एन एप्टीट्यूड जब तुम पढ़ाई करते हो आई गिव यू दू टॉप फिफ्टी आंसर्स टू बी डन बट विल डू अ मिनी एम बी ए होने के बाद तुमको दिन का एक घंटा रोज़ पढ़ाई करनी है मार्केटिंग मंडेज ट्यूजडेज़ को करंट अफेयर्स अच्छा। ये आपको आईटीसी के बंदे आके पढ़ाएंगे यहाँ पर वर्लपुल का बंदा आके पढ़ाएगा वीपी आके आई आगे पढ़ाएगा वेंजडे तो और सैटरडे तो मिस करना ही नहीं है बाकी चीज़ चल करंट अफेयर में जो पढ़ा वो पूछा नहीं पूछा बात की बात है पर वेंजडे और सैटरडे में तुम्हारे आंसर्स को रिव्यू करूंगा एक एक आंसर जो जो पूछा गया है बकेट बाय बकेट आई अहमदाबाद में क्या चल रहा है एंड एट बी गिविंग यू द लेटेस्ट अपडेट वाट्स हैपनिंग इन द आई एम राइट नाउ वॉट जैसे करंट अफेयर बहुत ही यू you नो know, आजकल करंट अफेयर क्या आएगा एक तो फार्म लॉ तो आना ही आना है राइट और कोविड कोविड ने कोविड ने तेरे को क्या क्या इफेक्ट किया है ना ओमनीकोन आना ही आना है राइट वीकेंड बैच हर्षित वीकेंड अभी के लिए सिर्फ वीकेंड बैच ही है बाद में देर को वीकडे पढ़ना पड़ेगा रोज का रोज ठीक है ये करना कैसे इसके साथ जिन लोगों को नहीं पता है मैं तुम्हें डैशबोर्ड का एक्सेस दिखाता हूँ अभी दिस इज द ओनली थिंग यू रिक्वायर टू नीड टू क्रैक इन टू आई एम्स दर इज समथिंग कॉल्ड आई एम वॉट पी आई ऑलरेडी एक्जिस्टिंग कैटकिंग जनता दिस विल बी एडेड टू द सेम इफ यू अ पार्ट ऑफ द कैटकिंग फैमिली ऑलरेडी डोंट वरी अबाउट द सेम ऑल एक्सेस पास लेना अगर एक्सेस नहीं दिख रहा तुम लोग यहाँ पे आई एम वॉट पीए दिखेगा ठीक है ध्यान से देख लो पहले यहाँ पे क्या है ये मेरे पिछले पिछले असर मैं वन फोर्टी थ्री बोलता था एक सौ चौदह लेसन पिछले साल के पढ़े हुए हैं अगर दिल कर रहा है ये भी सुन सकते हो ये पढ़ पढ़ के लोगों ने हज़ार आई एम्स कॉल कन्वर्ट किए हैं बेस्ट थिंग चलो एंड दिखाता हूँ तुम्हें तुम्हारा फाइनल गोल सपोज कर तुम्हारा आई एम अहमदाबाद कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे ना आई विल ब्रिंग इन पीपल फ्रॉम आई एम अहमदबाद आई एम बैंगलोर आई एम कलकटा दे विल बी टेलिंग यू द दट आर द थिंग्स नीड टू बी डन इन साइड आई एम अहमदाबाद बंगलोर कैलकटा एज वेल ठीक है तो रात को एक घंटा बैठ के तुम्हें सीनियर जूनियर रिलेशनशिप बनवा देंगे क्या होता है कैसे होता है सो विल मीट सम सीयर पाइपल तो ये बहुत अमेजिंग चीज़ है बिकॉज अंदर जाके भी छक्के मारने एंड विल नॉट विल नॉट मीट सम रैंडम पीपल विल मीट पीपल फ्रॉम इधर मैकेजीज ऑफ द वर्ल्ड और स्टड लोग आएंगे आपको मिलने के लिए ठीक है ये एंड वाला है ये अभी अभी देखने का फायदा नहीं है रिव्यूमे के अंदर क्या क्या चीजें करनी है राइट right. अभी क्या करना है नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग सपोज कर तेरा आएम अहमदाबाद कॉल आ रहा है तू जाएगा इसके अंदर डॉकेट देखेगा आए एम अहमदाबाद पे क्लिक करेगा पेज का डॉक्यूमेंट है ये तो होमवर्क ले लो इस हफ्ते में पढ़ लेना तुम्हारी अहम अहमदाबाद कॉल आ रही है नहीं आ रही इंदौर भी कॉल आ रही है ना अहम अहमदाबाद दिग्गज है सबका और पेपर सेटर है तो भाई ओवरऑल भी सेटअप कर सकते हैं जी का प्रोसेस सबके लिए तो यहाँ पर जाके सौ पेज का डॉक्यूमेंट है प्यार से बैठ के पढ़ना हम प्यार से बैठ के और इन लोगों के जिन जिन लोगों ने एस बनाए हुए हैं आई एम बैंगलोर के आई एम अलगड़ा वो भी तुम्हारे पास बड़े ऑर्गेनाइज तरीके में पड़े पड़े हुए हैं राइट एक होता है पढ़ना एक होता है डिलीवर करना डिलीवरी बाद बात की है कंटेंट होगा तो तभी डिलीवर कर पाओगे नॉन आई एम का कॉल है एफ का कॉल है तो एफ के लिए डॉकेट बना हुआ है एस पी जिन का बड़ी मेहनत करके जितना माल पड़ा हुआ था बेस्ट पॉसिबल अवेलेबल वो आपके लिए किया हुआ द बेस्ट थिंग द बेस्ट थिंग द फंक्शनल डॉज ईयर ये मैं आज आप अपडेट देने वाला हूँ तो मैं उसका लिंक दूंगा आप लोगों को पिछली बार ना आईएम अहमदाबाद ने कुछ डॉजियर्स रिलीज़ किए थे ऑफिशियली ये भी ये भी डॉजियर्स मैंने इस साल डाल दिए ये जी डी है कि बहुत टूवर्ड्स द एंड होगा तो पहले आपके पास पड़े हुए बट इफ़ यू आर सेंग इन योर इंटरव्यू इस पर थोड़ा काम कर लेना ई फिर सेंग सर मुझे तो स्ट्रैटेजी में जाना है मुझे तो कंसल्ट में जाना है बिना ये डॉक्यूमेंट पढ़े ए का इंटरव्यू आप लोग नहीं दोगे किसी भी टॉप आई का इंटरव्यू नहीं दोगे क्योंकि सामने वाला बंदा नोज मोर देन यू इंजीनियर बोल देगा मेरे को फाइनेंस जाना है सेंसेक्स में इंटरेस्ट है स्टॉक में इंटरेस्ट है यहाँ पर डॉलियर्स बड़े हुए आई श्योरन गॉड दीज डॉर्स आर बींग यूज बाई पीपल इनसाइड बिजनेस स्कूल एज वेल टू क्रैक देयर एस एफ एस आई पी एन समर्स ठीक है ये तो डॉक्यूमेंट हो गया पढ़ने का बट एक काम जो सबसे मेरा फेवरेट है वो जो फटाफट कर लेना वो डिसंबर मंथ में कर लेना, पढ़ते पढ़ते चार लोग अहमदाबाद कलकत्ता एस पी का मैं और भारतीय एयरटेल की एच हमने मिलकर सारे आंसर्स रिकॉर्ड कर दिए कोविड टाइम था वेले थे नाइट आउट मारा हमने ये वाई एम बी ए वाई एम बी आफ्टर ग्रेजुएशन फेवरेट सब्जेक्ट का क्वेश्चन कैसे आंसर कराए बड़े फन तरीके से एज अ प्ले लिस्ट लेकर इसको सुन लेना यू विल फॉल इन लव विद हम एक भारतीय एयरटेल की एच आर क्यों है बड़ी क्यूट बन है वो इसलिए है क्योंकि एक एंड ऑफ द डे दे आर हायरिंग यू सो दैट दे कैन प्लेस यू इन द बेस्ट ऑफ द कंपनीज तो एक एच आर का फ्लेयर आपको मिलेगा लास्ट थिंग बट नॉट द लीस्ट यहाँ पे ये मेरा फेवरेट आदमी इसको आप मिलोगे पीयूष करके आज इंसान है दिस गाय गॉट रिजेक्टेड एट एसपीज इन बॉम्बे एंड देन ही कन्वर्टेड आई एम लखनऊ बहुत प्यारा इंसान मेकेजी बिच पिलानी एंड डे जीरो प्लेस्ड आई एम लखनऊ स्टड आदमी ये तो स्प्रिंट मार के सुन लेना इंजीनियर्स को इसमें ज़्यादा मज़ा आएगा नॉन इंजीनियर्स को उसमें ज़्यादा मज़ा आएगा बिकॉज वहाँ पे मिक्स ऑफ इंजीनियर नॉन इंजीनियर बहुत हैं ऑलरेडी वॉच दिस वीडियो अरे क्या बात है ठीक है जिनके पास एक्सेस नहीं है आप एक्सेस लेंगे मैं नीचे लिंक दे रहा हूँ आपको आई थिंक सिंस ऑल ऑफ यूर नाइनटी प्लस स्कोरर्स द प्राइस इज ओनली ट्रिपल नाइन फॉर यू टिल यू गेट कॉल इज डिसंबर तक वैलिड है मेरे कहने पे इन्वेस्ट कर दीजिएगा इट्स कॉन्ट बी वर्थ इट इट ऑल्सो इंक्लूड योर वन पर्सन इंटरव्यू कॉल एंड विल टर्न द वर्ल्ड अप डाउन टू कन्वर्ट कंवर्ट या इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं डेली क्लास रहेगा डेली लेक्चर रहेंगे विल ट्राई इफ यू गेट एन एफ एम एस कॉल समडी फ्राम एफ एम एफ विल टेक यूर इंटरव्यू इफ यू गोट न आई एम अहमदाबाद कॉल समी फ्रॉम आएम अहमदाबाद और सीनियर गाय फ्राम कॉरपोरेट विल भी टेक यूर इंटरव्यूज तो वी गॉट ओ टर्न द वर्ल्ड अप सेड डाउन यार मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कॉल आ गया यार अभी कन्वर्ट होना चाहिए और अभी कॉल आने वाला है और अभी है अभी पंद्रह बीस दिन एक महीना पूरा है लास्ट टाइम इसने बताया कौन सी तारीख थी बारह और तेरह तो दो दिन में अहमदाबाद और बैंगलोर की कॉल्स आ गई थी तो कॉल्स आने वाले तो हमारी कन्वर्ट तो होनी चाहिए बारह जनवरी और तेरह जनवरी को दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा हाउ टू वर्क ऑन प्रोफाइल वेरी गुड क्विक टिप टू ऑल ऑफ यू गाइस ये भाई पहले तो ज्वाइन कर लेना यार इसके नीचे लिंक दे रहा हूँ ट्रिपल नाइन बी वर्थ इट इज माई प्रॉमिस ठीक है भाई नीचे लिंक दे रहा हूँ वैन विल इंटरव्यू स्टार्ट फेब इंटरव्यू विल स्टार्ट इन फेब हाँ मे चिराग मैं आज रात को तुम्हें uh, दस बजे पूरा प्लान बताऊंगा आई एम मीटिंग ऑल यू गाइज एट टेन ओ क्लॉक टू नाइट जिनके बाद एक्सेस नहीं एक्सेस ले लीजिए इज बी वर्थ इट और बॉयज एंड गर्ल्स थैंक यू सो मच जॉइनिंग इन होप यू गाइस आर डूइंग गुड थैंक यू सो मच एसओपी फॉर एफएमएस बहुत बढ़िया एस ओ हां एस ओ पी फॉर एफ एम एस हाँ बोलना sir, Can I speak to you for two minutes, sir? Uh, we'll speak in the chat at 10 pm here. I have to rush right now for another session. Apologies for that. Huh? Uh, sir, uh, I just wanted to ask one thing. Can you mm -hmm. please uh, answer it, sir? Yes, yeah, sir. I'm a PWD candidate, sir. Mm -hmm. And I've scored 90.9 according to the time uh, mm -hmm. analysis. Mm -hmm. And, sir, I've uh, also scored... 10 In 10th and 12th, I've uh, scored about 75%. Mm -hmm. Graduation also 75% plus. Mm -hmm.

एम uh, लखनऊ ये भी स्टड है आएम बैंगलोर के एसओबी जितने भी एम बैंगलोर के हैं कुछ कुछ मैंने यहाँ पे डाल के रखे हुए हैं माइक का तो थर्टी फाइव प्लस हैं इसको मैं और अपडेट करता रहूँगा लास्ट थिंग ये कोर्स का लिंक मिलेगा ले लीजिएगा और मुझे रात को दस बजे मिलेगा जिनका प्रोफाइल बहुत ही वीक है आई स्पीक अबाउट दैट टुडे अबाउट इंग एड सेवन एक्स जिनका बहुत ही वीक है वो लोगों वाला कोर्स को रिकमेंड करूंगा थैंक यू सो मच गाइज एंड टेक केयर होप दिस इज हेल्पफुल यस और नो एंड आल सी यू इन द क्लास एक्सेस ले लीजिए इज बी वर्थ इट एंड कीप किंग गॉड ब्लेस यू गाइज यू मेड मी प्राउड यू मेड योर पेरेंट्स प्राउड यू मेड योर इंस्टीट्यूट प्राउड वेरअर यू आर फ्रॉम बस कल जो भी कॉल है कन्वर्ट करना मेहनत करके भी रिजल्ट आ गया तुम्हारा सही सैम थैंक यू सो मच फॉर काइंड वर्ड्स इट्स इट्स गुड सींग ऑल ऑफ यू गाइज ऑल योर एफर्ट्स हैव पेड ऑफ बस भी कॉल का वेट करना है मैं रिपीट कर रहा हूँ कौन सा कॉल कहाँ कहाँ से आएगा कुछ पता नहीं है बट थोड़ा सा हैक करके मैंने आपको बता दिया रात को मिलेंगे रात को दस बजे हे अनन्या थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच नीचे मैं लिंक दे दूँगा आपको और जब व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर देंगे तो हम बातें करते रहेंगे ठीक है बब बाय टेक केयर सर कैट स्कोर के बाद जैड की पढ़ाई नहीं हो रही है। <laughs> ये तो होता ही है भाई वो तेरे को देखना पड़ेगा अभी कैसे पढ़ाई करेगा तू बाय गाइस टेक केयर थैंक यू एवरीवन गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू सी यू इन द क्लास एट टेन पीएम टुनाइट बाय बाय टेक केयर आज नहीं कर पाओगे तो अगले सैटरडे पक्का का आ जाना ठीक है बाय थैंक यू बाइज Thank you, thank you, thank you. <laughs>